हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखते हैं आज के प्रमुख समसामयिक घटनाएं। उसमें सबसे पहली जो न्यूज है वो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 612.73 अरब डॉलर्स के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उसी के साथ में देखिए न्यूज में क्या बताया जा रहा है कि 835 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ में ही 612.73 अरब डॉलर के उच्चतम स्तर पर फॉरेक्स पहुंच गया है। फॉरेन रिजर्व, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी बात की जा रही है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में अगर बात करें तो भारत का कितने नंबर पर स्थान आ गया? चौथे नंबर पर स्थान आ गया है। सबसे नंबर वन पर है चीन। सबसे नंबर वन पे कौन है? चीन। उसी के साथ में देखिए विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है, इसमें कौन कौन सी मुद्राएं शामिल होती हैं, इससे हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो विदेशी मुद्रा भंडार, इसे फॉरेक्स रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। आरक्षित क्यों कहा जाता है या फॉरेक्स क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। ये जो दोनों वर्ड है इसके पीछे ये है, फॉरेक्स मतलब फॉरेन रिजर्व, फॉरेन की जो करेंसी है वो अगर हमारे यहाँ आरक्षित की जाती है, रखी जाती है, तो उसी को आरक्षित निधि या फॉरेन रिजर्व कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। अब उसमें देखिए जो भुगतान संतुलन होता है, पेमेंट बैलेंस, ये हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं इसको, एक भुगतान संतुलन उसी का एक टॉपिक होता है। तो भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है तथा ये पूंजी खाते में होते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर आपको याद होगा तो दो तरीके के खाते होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करेंट अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की बात की जा रही है कि कैपिटल अकाउंट में जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्व की गई है, रोकी गई है, रखी गई है, उसी को हम आरक्षित निधि भंडार के तौर पर जानते हैं। अब देखते हैं इसमें कि ये कौन कौन सी आरक्षित निधियां होती हैं। सबसे पहली चीज तो ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। इसी के साथ में इस फॉरेक्स रिजर्व में कौन कौन सी मुद्राएं आती हैं, जैसे विदेशी रुपए, उसी के साथ में विदेशी बैंकों की जमाएं, उसी के साथ में विदेशी ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक जो सरकारी परिसंपत्तियां हैं, ये सब इसमें शामिल होती थी। अब उसी के साथ में विशेष आहरण अधिकार और सोने के भंडार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन सब को भी शामिल किया जाता है। तो ये हो गया विदेशी मुद्रा भंडार में जो जो मुद्राएं शामिल होती हैं उसके बारे में, ठीक है। इसे आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय भंडार अथवा अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना अधिक उचित समझा जाता है। अब इस देखिए अगले न्यूज में जो हमारा है कि दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करेगा चीन। ये चाइना की तरफ से न्यूज आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जब घटनाक्रम हम देखते हैं उसमें ये न्यूज आएगा, तो उसमें ये क्या बताया जा रहा है, देखिए ये न्यूज दो तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की वजह से, दूसरा टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर परमाणु रिएक्टर की बात की जा रही है और चाइना की तरफ से एक वैज्ञानिक ने ये खुलासा किया है कि जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ये एक ऐसा परमाणु रिएक्टर बनेगा यहाँ पे जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अभी तक क्या होता था, आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी परमाणु रिएक्टर लगे हैं वो सब कहीं ना कहीं समुद्री तटीय इलाकों में लगे हैं, समुद्री किनारों पर लगे हुए हैं। चाहे आप कल्पक्कम का ले लीजिए, चाहे कैगा का ले लीजिए, या जितने भी अभी तक लगे हुए हैं परमाणु रिएक्टर, वो कहीं ना कहीं समुद्री तटीय इलाकों में लगे हुए हैं। तो अब इसमें देखिए क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली चीज तो इसमें जो रिएक्टर है वो यूरेनियम का अभी तक लगता था, लेकिन अब यूरेनियम के बजाय में अब तरल थोरियम पर ये चलेगा और थोरियम की अधिकता प्रचुर मात्रा में भारत में पाई जाती है। ये एक बड़ी खबर होगी भारत के लिए भी।
ठीक है। उसी के साथ में देखिए तरल थोरियम पर यह चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में यह अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। स्वाभाविक सी बात है कि यूरेनियम का उपयोग नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर तरल थोरियम का उपयोग हो रहा है तो इसको कहीं पर भी लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं होगा कि हम समुद्र तटीय इलाके में ही उसको ले जाकर के लगाएं। चलिए देखते हैं डिटेल में अभी क्या बताया गया है। और भी पिघला हुआ नमक अगर हवा के संपर्क में आ जाता है तो वो ठंडा हो जाता है और ठोस हो जाता है। जब जम जाएगा, ठोस हो जाएगा, तो थोरियम को इंसुलेट करता है, जिससे किसी भी संभावित रिसाव में पारंपरिक रिएक्टरों की लीक होने की तुलना में पर्यावरण में बहुत कम विकिरण फैल सकता है। आपने ध्यान दिया होगा कि यदि जो है जो यूरेनियम जिस उसमें काम कर रहा है परमाणु रिएक्टर में, अगर वो परमाणु रिएक्टर किसी कारणवश विध्वंस हो गया, फट गया, या किसी कारणवश वहां से गैस लीक हो गई, तो हमारे पर्यावरण में विकिरण फैलने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी से सबसे पहली चीज तो कि पानी से इसको ठंडा करने की जो नीति अपनाई जा रही है वो, दूसरी चीज इसमें यूरेनियम के बजाय तरल थोरियम का उपयोग किया जाएगा। अब इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या हैं? उम्मीद ये की जा रही है कि यह प्रोटोटाइप जो रिएक्टर है यह अगस्त महीने में पूरा हो जाएगा, इसका परीक्षण सितंबर में शुरू हो जाएगा और आगे चल करके 2030 तक इसकी संभावना बताई जा रही है कि 2030 तक इसके निर्माण का मतलब जो है ये प्रचालित हो जाएगा, चलने लग जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के रिएक्टर के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसको रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी इसको लगाने में सक्षम हो जाएंगे। अच्छा, चाइना में लग कहां रहा है ये भी हमको जानना जरूरी है। तो चाइना में वुवेई नामक एक स्थान है, वुवेई, ठीक है, वुवेई के रेगिस्तानी शहर को पहले रिएक्टर के स्थान में चुना गया था और वहीं पर मैदानी इलाके और रेगिस्तान में ऐसे रिएक्टर बनाने की योजना बनाई जा रही है। किसके द्वारा, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये चीजें तैयार की जा रही है? तो वहां है शंघाई इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, उसकी टीम तैयार करती है इस प्रोटोटाइप रिएक्टर को, परमाणु रिएक्टर को। अब हम देख लेते हैं थोरियम के बारे में। तो थोरियम क्या चीज है? थोरियम एक रेडियोधर्मी धातु है, रेडियोधर्मी धातु है। यहां पे देखिएगा ध्यान से कि रेडियोधर्मी धातु है और यूरेनियम की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में काफी ये सस्ता भी है। इसका उपयोग आसानी से परमाणु हथियार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। वहीं पर यूरेनियम से ये डर लगता था कि इससे कहीं ना कहीं कोई देश अगर इसका दुरुपयोग करना चाहेगा तो परमाणु हथियार लगा सकेगा। तो आपको ध्यान होगा एक न्यूज जो कि ईरान के साथ में ये घटना घटती है, ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था जब वो इस तरीके के अपने यहाँ पर परमाणु रिएक्टर लगाने की बात किया था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अपनी अगली न्यूज को। ये एक बड़े गर्व और गौरव का विषय है कि एक तरफ हम चानू को देख रहे थे और दूसरी तरफ हमारे हैं सुमित नागल ओलंपिक में टेनिस सिंगल मैच जीतने वाले ये तीसरे भारतीय बन गए हैं। टेनिस सिंगल में तीसरे भारतीय, यानी कि चानू थी पहली और दूसरे नंबर पे आ गए हमारे सुमित नागल। अब जो है इसमें तीसरा क्यों कहा जा रहा है? तो इसमें टेनिस सिंगल्स में दो इससे पहले जीत चुके हैं इस टेनिस सिंगल को। तो दो कौन कौन है आइए देखते हैं डिटेल में। सबसे पहली चीज कि इससे पहले हम नागल के बारे में जान लेते हैं। नागल का जो मैच होता है वो एरिया के टेनिस सेंटर में होता है, 34 मिनट का मैच होता है। और ये इस तरीके से इनके पूरी जो न्यूज जो वहां पे घटना घटी, जैसे उनका सामना डेनियल मेदवेदेव से होगा जो दुनिया में दूसरे स्थान पर है, अगला दौर इनके साथ होने वाला है। अच्छा हाँ, अब पहला जो हम बात कर रहे थे टेनिस में कि पहले सबसे पहले जो जीता था उनका नाम है जीशान अली। 1996 के अटलांटा खेल होते हैं उसमें जो है ये पहले भारतीय बनते हैं जो एकल मैच होता है उसमें टेनिस का, ठीक। इसी के साथ में जो दूसरे नंबर के थे वो थे लिएंडर पेस। ये दूसरे नंबर के हैं, दूसरे नंबर के भारतीय।
2012 में लंदन में आयोजित होता है खेल, और उसी में जो है विष्णुवर्धन और सोमदेव वर्मन ये हार जाते हैं, ये बाहर हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर लिएंडर पेस जो है ये सफल हो जाते हैं। तो पहला कौन था? जीशान अली। दूसरे कौन हुए? दूसरे हुए लिएंडर पेस। और तीसरे कौन हो गए? तीसरे हो गए सुमित नागल। तो इस तरीके से ये तीन जो है टेनिस में हमारे इससे पहले दो और इस समय एक, तो इस तरीके से तीन टोटल हो गए। अगले दौर में नागल का जो सामना होगा वो ऑस्ट्रेलियाई ओपन के उपविजेता और विश्व में दूसरे जो खिलाड़ी हैं डेनियल मेदवेदेव से होगा। इसके बाद हमारा कंफर्म हो जाएगा। आप देखिए अगली जो न्यूज है ये भी एक महत्वपूर्ण न्यूज है। जैसा कि कोरोना का माहौल चल रहा है उसी के बीच से ये न्यूज निकल के आती है। इसमें क्या है कि पांच चिकित्सा उपकरण, अब ये पांच चिकित्सा उपकरण है कौन से वो हम लोग देखेंगे। अभी पांच चिकित्सा उपकरणों के लिए अधिकतम जो व्यापार मार्जिन की सीमा को निश्चित किया गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछला वाला जो कोरोना था फर्स्ट फेज वाला, जिसमें मास्क को लेकर के ये चीजें तय की गई थी कि कितना एक मास्क के पीछे एक व्यापार करने वाला या मेडिकल स्टोर वाला उसके पीछे कितनी अपनी मार्जिन रख सकता है, उसी तरीके से पांच चिकित्सा उपकरणों को लेकर के भी इस बार यानी कि कोविड 19 के जो सेकेंड फेज दूसरा चरण हमें देखने को मिल रहा है इसमें ये सीमा तय की गई है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सी मतलब जो है उपकरण शामिल किए गए हैं। सबसे पहली चीज कि NPPA ये है क्या? नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA ये पांच चिकित्सा उपकरणों को व्यापार मार्जिन पर अधिकतम सीमा लगाने के लिए नियम लागू करता है। वो पांच उपकरण कौन कौन से हैं? पहला है ग्लूकोमीटर, दूसरा है ऑक्सीमीटर, तीसरा है नेबुलाइजर, चौथा है बीपी मॉनिटर और डिजिटल थर्मामीटर। तो इस तरीके से इन पांचों उपकरणों पर चिकित्सा उपकरण जो हैं इन पर अधिकतम मार्जिन सीमा लगाने के लिए नियम लागू किया गया है। वो अधिकतम सीमा कितनी तय की गई है? 70% तक तय की गई है। ठीक है, अब देखिए इसी में अगला जो पॉइंट है, सभी श्रेणियों में प्रत्येक घरेलू आयात और निर्यात ब्रांड ने एमआरपी में गिरावट की सूचना दी है। स्वाभाविक सी बात है कि कोरोना का जब कहर थोड़ा सा कम होने लग गया तो आयात, तो स्वाभाविक सी बात है इन सब उपकरणों के आयात तो कमी हो जाएगी, साथ में जो निर्यात करने वाले ब्रांड थे उनके एमआरपी में भी गिरावट होगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं सेकेंड फेज थोड़ा सा कम हुआ है। अब अलग फेज में अब हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीजों की कमी होने की वजह से गिरावट की सूचना इन लोगों ने दी है। अब क्या कह रहे हैं कि आयातकों ने कहा है कि पल्स मीटर, नेबुलाइजर और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीनों ने उच्चतम दर में कमी देखी गई है। अच्छा, यह फैसला लिया क्यों गया? स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी सिचुएशन जब पैदा हो जाती है देश में तो जब जो है चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता हद से ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ जाती है और अपने यहाँ की जनता को, अपने यहाँ मतलब देश के जनता को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जा सके, तो इसकी प्राइसिंग कई देशों ने तो मुफ्त तक कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसके प्राइसिंग में भी इसके जो कीमत है मूल्य है उसमें मतलब निम्न से निम्न जितना भी हो सकता है अपनी मार्जिन मनी रख करके उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसीलिए ऐसा किया गया था। अब देखिए इसमें जो प्राथमिक उद्देश्य की बात की गई है उसके साथ लिया गया था कि जो है मार्जिन को NPPA के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। NPPA का फुल फॉर्म हमने आपको पहले ही बता दिया है। NPPA है क्या? जनहित में असाधारण परिस्थितियों में DPCO 2013 का पैरा 19 यही कहता है कि उन दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने की शक्ति देता है जो NLEM यानी कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, ध्यान दीजिएगा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन जो आवश्यक दवाएं हैं, आवश्यक दवाओं की जो राष्ट्रीय सूची है उसके तहत नहीं है, उनकी कीमत कम की जा सकती है, उसमें उन पांचों के
कीमत में 70% तक कमी की गई है, मार्जिन की कमी की गई है। अब देखिए अगली जो न्यूज हमारे सामने निकल के आ गई है वो ये कि अमेरिका ने अफगान प्रवासियों के लिए 100 मिलियन के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है। अब देखिएगा ध्यान से कि अफगान प्रवासियों के लिए 100 मिलियन फंड की बात की जा रही है। जो बाइडेन जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, अब अफगानिस्तान के मतलब समझ लीजिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति जो जो बाइडेन हैं उन्होंने शरणार्थी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया है। अब क्या हो रहा है कि अफगानिस्तान में जो भू राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है जिसकी वजह से आवजन अफगान वीजा आवेदक भी जिसमें शामिल किए गए हैं। आवजन मतलब इमिग्रेशन, जो अमेरिका से जो आए थे अफगानिस्तान में थे, अब उनको वापस वहां पे बुलाया जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो जरूरी आवश्यक सेवाएं थी उनको देने के लिए ऐसा फंड लाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं मुख्य बिंदु क्या है इसमें। सबसे पहली चीज कि सरकारी एजेंसियों की सूची से सेवाओं और सेवाओं में 200 मिलियन की रिलीज को भी मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें क्या है, अमेरिका जो आए हुए थे उन हजारों विशेष आप्रवासन वीजा SIV स्पेशल इमिग्रेशन वीजा अफगान आवेदकों को भी निकालने की तैयारी कर रहा है। अफगान आवेदकों की तैयारी यहां पे ध्यान दीजिएगा, जिन पर तालिबान विद्रोहियों के द्वारा प्रतिशोध का खतरा है क्योंकि वे अमेरिका के लिए काम करते थे। वो ऐसे लोग हैं जो अमेरिका के लिए काम करते थे किसी न किसी रूप में, कोई अनुवादक है, कोई ट्रांसलेटर है, कोई मतलब कोई जो है टाइपराइटर है, कोई सूचना देने वाला था, तो जो अलग अलग पदों पे थे। तो अब उन अफगानियों को तालिबानियों के विद्रोह का प्रतिशोध का खतरा बढ़ गया है, इसीलिए अमेरिका ने ये कदम उठाया और उन लगभग देखिए 2500-2500 अफगानों को विभिन्न बैचों में फोर्टली लाया जा सकता है, जहां उन्हें तैनात किया जाएगा और उनकी आवेदन प्रक्रिया की प्रतीक्षा की जाएगी। तो ये है पूरी इसकी न्यूज। अब इसमें देखिए विशेषी अप्रवासी वीजा के लिए कौन कौन लोग पात्र होंगे, जो हमने आपको बताया है उसमें देखिए फिर से कि अफगान जो अमेरिकी सरकार के लिए अनुवादकों या विभिन्न अन्य विभागों में काम करते थे, विशेष अप्रवासी वीजा स्पेशल इमिग्रेंट वीजा के लिए पात्र होंगे। क्यों? क्योंकि अब उनकी जान को खतरा हो जाएगा। किसकी, किससे? वो तालिबानियों से। तो इसीलिए इन अप्रवासी, इन लोगों को अप्रवासी वीजा दे करके अमेरिका अपने यहां शरण दे देगा। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने एक कानून पारित करके ये SIV की संख्या में 8000 की वृद्धि करेगा, मतलब अभी 2500 हैं तो अब 8000 बाद में कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, गोल्डन राइस की बात की जा रही है। इसमें फिलीपींस से ये न्यूज निकल के आ रही है। फिलीपींस ने आनुवांशिक रूप से संशोधित जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस, ये वही चावल है जो मतलब गोल्डन की राइस की तरह, आप ये मत ध्यान उसमें ध्यान दीजिएगा कि सोने का चावल होगा, इसका नाम है गोल्डन राइस, इसको मंजूरी दे दी गई है। इसकी खास विशेषता जो है, जैसा कि आपको यहां से पढ़ने से ही पता चल रहा है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसको और ज्यादा पौष्टिक आहार बनाने की कोशिश की गई है। अब इसमें देखते हैं ये डिटेल में क्या होता है। इसमें कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय जो है दुनिया के विकासशील क्षेत्रों में बच्चों की यह जान बचाएगा, बचपन के अंधेपन का मुकाबला भी ये चावल करेगा। कैसे करेगा, अब आइए कुछ प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। इसमें क्या है कि सरकार ने एक जैव सुरक्षा परमिट जारी कर दी, जो जैव सुरक्षा परमिट है इस चावल के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। किसके लिए, बीटा कैरोटीन से समृद्ध होगा ये चावल। अब बीटा कैरोटीन क्या होता है, ये विटामिन ए का अग्रदूत होता है, इस चावल को अधिक ये पौष्टिक बना देता है बीटा कैरोटीन। ये ध्यान दीजिएगा कि गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस ये जो है बीटा कैरोटीन जो है इससे बढ़ा देने से इससे क्या होगा, अधिक ज्यादा पौष्टिक हो जाएगा वो चावल पीटा कैरोटीन की वजह से। अब देखिए ईरी के बारे में बताया गया है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये क्या कह रहा है, ईरी
ईरी ये कह रहा है कि फिलीपीन चावल अनुसंधान संस्थान, ये दोनों मिलकर के ईरी और फिलीपीन चावल अनुसंधान संस्थान दोनों मिलकर के गोल्डन राइस विकसित करने के लिए दो दशक ये लोग बिता दिए हैं। अब इसको जो है चावल का ये पहला प्रकार है जिसे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में व्यावसायिक उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है। अब देखिए गोल्डन राइस उपभोग के लिए कब उपलब्ध होगा। अब आप सोच रहे हो कि न्यूज में आ गया है, हम तो अब जाएं मार्केट में और गोल्डन राइस खरीद के लेके आए और अपने जो है रिश्तेदारों के लिए फटाक से निमंत्रण दे दें और उनको जो है खिलाएं गोल्डन राइस। ऐसा नहीं होने वाला है। काहे कि जो है इसमें देखिए बताया जा रहा है कि वर्ष 2022 में चयनित प्रांतों में फिलिपिनो किसानों को सीमित मात्रा में गोल्डन राइस बीज वितरित किए जाएंगे। ठीक है, तो वर्ष 2022 में अभी फिलीपींस के किसान को ये वितरण किया जाएगा, वो पैदा करेंगे, बोएंगे, देखेंगे, रिजल्ट जब आएगा तब जाकर के ये कहीं पे आगे बढ़ेगा। अब देखिए साधारण राइस मतलब जो एक सामान्य जो चावल हम लोग अभी मार्केट से खरीद के खाते हैं वो, और दूसरा गोल्डन राइस, इन दोनों में अंतर क्या है। अभी तक जो था बीटा कैरोटीन ये साधारण चावल के जड़ों में पाया जाता था, तने में भी पाया जाता था, लेकिन उसकी फली में नहीं पाया जाता था। ठीक है, तो उसकी फली में ये नहीं पाया जाता था बीटा कैरोटीन, लेकिन वहीं पर गोल्डन राइस जो है इसके बीटा कैरोटीन इसके दाने में भी पाया जाएगा, ये इसके दाने में भी पाया जाएगा। तो सामान्य चावल में कहां है बीटा कैरोटीन, उसके सब जगहों पे है लेकिन वहां पे उसके दाने में नहीं पाया जा रहा है। वहीं पर जो गोल्डन राइस है उसमें दानों में ये बीटा कैरोटीन पाया जाएगा। तो ये अंतर है मुख्यतः। चलिए देखते हैं विटामिन ए का महत्व क्या है। मालूम तो होगा ही विटामिन ए, क्योंकि साइंस की क्लास हो चुकी है, सुषमा मैम आप लोगों को पढ़ा चुकी हैं, विटामिन ए काफी डिटेल में बता भी दिया है। चलिए फिर भी थोड़ा सा एक नजर इस पे भी डाल लेते हैं। विटामिन ए विकास और सामान्य वृद्धि के लिए, वृष्टि के लिए, और प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कोरोना में, है ना, तो इम्यूनिटी सिस्टम के समुचित कार्य के लिए ये महत्वपूर्ण है विटामिन ए। तो WHO के आंकड़े से पता चलता है कि विटामिन ए की कमी से हर साल बचपन में अंधेपन के जो मामले आते हैं वो 5 लाख मामले सामने आते हैं, जिनमें से आधे कि 12 महीने के भीतर ही अपनी दृष्टि खोने के बाद मृत्यु भी हो जाती है। ये बहुत ही मतलब दुर्दांत स्थिति है। इसी के साथ में जो ईरी है, ईरी बताता है कि फिलीपींस में 5 साल से कम उम्र के फिलिपिनो बच्चों में लगभग 17% में विटामिन ए की कमी पाई जाती है। चलिए चलते हैं अपने अगले न्यूज की तरफ। भारत बना रहा है पावर आईलैंडिंग सिस्टम, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि देश के जो बिजली ग्रिड पर संभावित जो हमले हैं उसकी बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। तो पावर आइलैंडिंग सिस्टम बनाने की योजना तैयार की गई है। अब इसके मुख्य बिंदु क्या हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि बेंगलुरु और जामनगर, ये बेंगलुरु और जामनगर कहां पे, ये तो मालूम ही होगा, बेंगलुरु और जामनगर जिसमें भारत की 2 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियां हैं इन दोनों जगहों पर। ठीक है, तेल रिफाइनरी जो है उन शहरों में शामिल किए गए हैं जिनका मूल्यांकन एक आईलैंडिंग सिस्टम के लिए किया जा रहा है, यानी कि यहीं पर आईलैंडिंग सिस्टम की तैयारी की जा रही है बेंगलुरु और जामनगर में। मौजूदा सिस्टम वाले जो मुंबई और नई दिल्ली जैसे शहरों में सुधार किया जा रहा है, तो यहां पर अभी पावर आईलैंडिंग है, यहां पर सुधार किया जा रहा है और इसके साथ में बेंगलुरु और जामनगर में तैयारी की जा रही है। वर्ष 2020 में मुंबई में एक बड़ी बिजली आउटेज हुई थी, उस बिजली आउटेज में सभी शहरों की बिजलियां ठप हो गई थी, जिससे ये अटकलें लगाई जा रही थी कि साइबर हमला हो गया है, जिसकी वजह से हमें ये घटना देखने को मिल रही है। कौन सी घटना? बिजली आउटेज की। कब हुई थी? 2020 में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। वर्ष 2019 में भी परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बताया था कि इसके एक पीढ़ी के संयंत्र में कंप्यूटर सिस्टम पर मालवेयर द्वारा हमला किया गया था।
अब देखिए दुनिया भर में बिजली ग्रिडों को लगातार सब जगह डिजिटलाइज किया जा रहा है बिजली विभाग को, तो क्यों ना भारत में किया जाए, भारत में भी यही चीजें होती हैं और भारत सरकार इसके लिए पावर आइलैंड सिस्टम बनाने की योजना बना डालती है। आइलैंड सिस्टम क्या है ये भी देख लेते हैं। इससे उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और जो आउटेज के दौरान जो मुख्य ग्रिड से ऑटोमेटिकली अलग होने की जो संभावना बनी रहती है वो भी दूर होगी, जिससे नई प्रणालियों को स्थापित करने के लिए प्रांतों को भंडारण और उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अब देखिए जो इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के जो अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, रेजी पिल्लई कहते हैं कि औद्योगिक और वाणिज्यिक परिसरों, हवाई अड्डों, शॉपिंग मॉल, अस्पतालों, रक्षा इकाइयों, रेलवे स्टेशनों, इन जैसे इस अनेक क्षेत्रों में स्मार्ट माइक्रो ग्रिड की सिफारिश की है। यह सिस्टम मुख्य रूप से नेटवर्क से जुड़ा होगा और एक आउटेज के दौरान अपने आप ही इस रूप से अलग हो जाएगा और माइक्रो ग्रिड इस रूफटॉप और सौर ऊर्जा बैटरी के लिए मिश्रण पर चलेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पावर आइलैंड सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज की तरफ। भाई देखिए वायरस से इतना दिमाग खराब हो चुका है, लेकिन ये वायरस पीछा नहीं छोड़ रहा है ना, एक से एक मतलब दिन प्रतिदिन नए नए वायरस का नाम सुनने को मिल रहा है। अब देखिए ये यूके की घटना है, यूके उत्तराखंड वाला नहीं, यूनाइटेड किंगडम वाला। तो यूनाइटेड किंगडम में एक नोवो वायरस आ गया। अब नोवो वायरस क्या है इसके बारे में भी देखना ही पड़ेगा, है ना। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड PHE इसने बताया, चेतावनी जारी कर दी थी, बताया क्या चेतावनी ही कर दिया। चेतावनी में बताता है कि मई महीने के अंत से इंग्लैंड ने देश में नोवो वायरस के 154 मामले सामने आ गए। भैया एक दो नहीं, 154 मामले आ गए हैं। अब नोवो वायरस है क्या, इसके नियंत्रण के लिए क्या किया जा रहा है, कैसे रोका जा सकता है, सेम अब सब कुछ हमको इस पे भी अध्ययन करना पड़ेगा। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी कि CDC के अनुसार ये पता चलता है कि ये भी एक संक्रामक बीमारी है। तो वायरस है तो संक्रामक होगा ही, साथ में दस्त और उल्टी इसमें होता है, दस्त और उल्टी से इसके लक्षण हमको देखने को मिल जाते हैं। अभी फैलता कैसे है, वैसे ही जैसे कोरोना वायरस फैल रहा था, व्यक्ति से व्यक्ति के संपर्क में कोई आया तो जो है ये फैल जाता है, संक्रमित हो जाता है। अच्छा, यह वायरस जो है दूषित पानी, भोजन के सेवन से, दूषित सतहों को अपने हाथ से छूने से और उनका खान पान में यूज कर लेने से या बिना हाथ धोए मुंह में उसका जो है सेवन कर लेने से वो फैल जाता है। इसके लक्षण हमने आपको बता ही दिए हैं, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, मतली, यही सब होता है, जिससे जो है हमारे आंतों और पेट में सूजन हो जाता है। इसे एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहते हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको, क्योंकि हो सकता है कि वायरस से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे इस बार। ठीक है, यह वायरस के जो अन्य लक्षण हैं, सिर दर्द, बुखार, शरीर दर्द, कोरोना वायरस वाले मैक्सिमम सब चीजें वही देखने को मिलेंगी। इसमें भी सेम वही, सैनिटाइज करिए, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज कीजिए, हाथ धुलिए, खाना खाने के समय पहले हाथ धुलना, मतलब साफ सफाई का खूब ध्यान रखिए, उसके साथ में जो है कम वस्तुओं को छूने की कोशिश कीजिए, जितना ज्यादा आप कम छुएंगे उतना ही ज्यादा आप सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। अब इसमें क्या है, इलाज के तौर पे इलाज इसका भी संभव नहीं हुआ अभी तक। ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ पीने का सुझाव दिया जा रहा है, जिससे निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन ना हो। ज्यादा से ज्यादा आप लोग पीना खाना स्टार्ट, मतलब पीना खाने का मतलब ऐसा ना हो कि पीने खाने का मतलब गलत अर्थ लगा लें, तरल पदार्थ ज्यादा लेना स्टार्ट कर दीजिए। नीति आयोग और IEA ने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च कर दिया। अब इसमें क्या है, नीति आयोग और IEA ये दोनों डिपार्टमेंट मिलकर के रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया ये रिपोर्ट जारी करते हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि नवीनीकरण समृद्ध राज्यों के सामने यह ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझने के लिए तीन राज्य, देखिए यहां पे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
सरकारों के साथ तीन राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर यह आधारित होगी। अब इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो क्या क्या हैं? पावर सिस्टम पर विभिन्न लचीलेपन विकल्पों के प्रभाव को चिन्हित करने के लिए IEA मॉडलिंग परिणामों का उपयोग करती है। इस रिपोर्ट में बताया ये भी कि ऊर्जा प्रणाली नवीकरण ऊर्जा जो हमारा जो लक्ष्य है 2022 तक लक्ष्य रखा गया है 175 गीगावाट का, वहीं 2030 तक रखा गया है 450 गीगावाट को कुशलतापूर्वक एकीकृत कर सकती है और इसके भंडारण के लिए इसके लिए उचित योजना, नियामक नीति, संस्थागत समर्थन, संसाधनों की पहचान, ऊर्जा भंडारण और अग्रिम प्रौद्योगिकी पहल की आवश्यकता होगी। इसके तहत ये भी बताया जा रहा कि भारत के राज्यों को कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के अधिक लचीले संचालन, मांग प्रतिक्रिया, ग्रिड सुधार, भंडारण और विस्तृत श्रृंखला विकल्पों को नियोजित करने की आवश्यकता है, जिससे स्वच्छ बिजली प्रणालियों में परिवर्तन किया जा सके। तो इस तरीके से हमारा ये भी हुआ और इसके जो कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ये जोर दिया था कि अधिकतम जो नवीनीकरण ऊर्जा है उसको अवशोषित करने के लिए राज्य ने सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 70-80% तक कृषि भार को दिन के समय में स्थानांतरित कर दिया है। कितना? 70-80% भाग को, जिससे वे अधिक से अधिक बिजली की खपत कर सके और हरित ऊर्जा में राज्य की हिस्सेदारी को बढ़ा सके। गुजरात में क्या होता है कि गुजरात नियामक आयोग ने कहा कि पुराने नियमों को संशोधित करने की जरूरत है और नियामक आयोगों के राज्य में संशोधित नियमों को सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। अब देखिए उपयोग का समय क्या बताया इन्होंने, उपयोग का जो समय बताया है वो ये कि टैरिफ लचीली खपत को प्रोत्साहित करने की मांग पक्ष को एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। यह रिपोर्ट जो है भारत में सभी हितधारकों के लिए भंडारण के रूप में काम करेगी। इससे ये पता चलेगा कि हमको किस समय यूज करना चाहिए, किस समय यूज नहीं करना चाहिए। इसी रिपोर्ट से ये भी पता चल रहा है कि थर्मल पावर प्लांट के लचीलेपन और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने के साथ साथ भंडारण प्रौद्योगिकी के लिए भी लागत प्रभावी समाधान की आवश्यकता पर सरकार की नीतियों का भी उल्लेख किया जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये न्यूज समाप्त होती है। यहीं पर मिलते हैं फिर अगले न्यूज के साथ। थैंक यू।